पानी गिरा है। आओ जल्दी नीचे देख के, बाऊ भी हो सकता है, बारिश हुई है, गिर निकल सकते हैं, कल निकले होंगे तो। पानी लेके आते, पानी नहीं है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग जा रहे हैं आज वानी को लेके हेल्थ सेंटर जा रहे हैं। ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया है, रात में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। और ये जो ये जगह दिख रही है ना आपको, ये पूरी जगह में यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती है, मतलब ये पहाड़ फिसल के पूरे रास्ते में आ जाते हैं। कल रात में भी हुआ था, और रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, फिर इसको जेसीबी से हटाया जाता है और फिर क्लीन किया जाता है रास्ता, तो फिर रास्ता कुछ इस प्रकार हो जाता है। और ये देखिए हम लोग वानी को लेके जा रहे हैं। वानी को सही नहीं लग रहा है, खाना नहीं खाते बन रहा है उसको, तो मैंने बोला चलो यार उसे आज दिखा ही देते हैं। और ये है नॉर्थ कैंपस, यहाँ से ये आपको जितना दिख रहा है ये नॉर्थ कैंपस है। यहाँ सारे जो हैं बैचलर वाले स्टूडेंट रहते हैं यहाँ में से कैंपस में, और इंस्टीट्यूट है और लाइब्रेरी है, सब कुछ है यहाँ पर। और ये देखिए ये कितना सुंदर यहाँ से दिखता है, यहाँ पर जितना सुंदर ये IIT कैंपस है उतना ही अच्छा यहाँ पर लगता है। यहाँ इंस्टीट्यूट है, हॉस्टल है और मेस भी है, मतलब खाने के लिए जो जहाँ पर स्टूडेंट लोग के लिए होते हैं वो मेस है, कैंट। ये यहाँ का गेस्ट हाउस है, जब शिवाना के पापा भी आए थे तो 3 महीने इसी गेस्ट हाउस में रहे थे, उसके बाद में यहाँ पर उनको रूम अलाउड हुए थे, तो तब वो यहाँ पर फिर हम लोग, हमें रूम जहाँ मिला फिर हम लोग वहाँ रहते हैं। और ये है यहाँ का पार्किंग एरिया, और ये है यहाँ का मेगा स्टार, मतलब शॉपिंग छोटा सा मॉल है। और हम लोग आ गए हैं, और वानी मतलब यहाँ पर जो माहौल है वो इतना अच्छा है, मतलब चारों तरफ हरियाली है। एक तो देखिए पीछे पहाड़, और पहाड़ों के नीचे ऐसा कैंपस बना हुआ है, तो वो इतना सुंदर लगता है देखने में, ऐसा लगता है कि हाँ हम कहीं बाहर आ गए। यही सारे इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, और कुछ जैसे ये सामने दिख रहा है ये हेल्थ सेंटर है जहाँ पर हम जा रहे हैं। और यहाँ साइड में जो है, तो यहाँ पर जैसे प्लेसमेंट होता है ना स्टूडेंट का, तो जो बाहर से कैंपस वगैरह कंपनियाँ आती है वो यहाँ पर आती है, लोग जैसे नॉर्थ से यहाँ आते हैं, साउथ से आते हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है यहाँ, और पीछे यहाँ पर लोग रहते भी हैं, यहीं पर हॉस्टल भी है। और पीछे और जाएंगे आप मे से, और जो लोग रहते हैं जैसे कि प्रोफेसर वगैरह रहते हैं, और जो भी यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके पीछे। हम लोग हेल्थ सेंटर से आने के बाद में खाना वाना बना लिए हैं, खाना बनाने के बाद फ्री हो गए, मतलब 12:30 बज चुका है, तो 12:30 बजे हम उसको नीचे लेने जा रहे हैं शिवन्या को। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब थोड़ी बारिश सा हो रहा है कि बारिश भी हो सकती है, अब देखिए आगे क्या होता है। शिवन्या के पापा ऑफिस से जाते हैं प्रियति को लेने, तो वो लेट हो जाते हैं, लेट नहीं हो जाते मतलब ऑफिस में काम भी होता है, तो आज मैंने स्कूल में बात किया कि उसे दूसरी बस में बैठा लिए, तो आज से बस चेंज हो गई है, तो मैं उसे दूसरी बस से लेने जा रही हूँ, तो जो कि ये नीचे तक आती है। यहाँ पर एक और बच्चा है जो आता है उसी बस में, तो यहाँ से ले जाना आसान होता है, और जहाँ इसके पहले आती थी तो वो बहुत दूर था, तो ये इसी मेरे घर के नीचे बोलते ना, तो वो ये नीचे है। तो यहाँ पर देखिए पीछे वो आपको बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ पर शिवान्या के पापा खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं कि मैं बाहर आई हूँ कि नहीं। बस अब वैन आती होगी, और ये देखिए ये लगभग वैन भी आ गई है, हम लोग काफ़ी देर से खड़े थे और अब आ गई है, अब जाते हैं शिवान्या को लेने। दीदी बारिश भी आने लगी, चलो भागो। चल ये देखिए 1 बज रहा है, और बारिश इतनी तेज शुरू हो गई है, और बारिश मतलब 1 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक बहुत तेज बारिश हुई थी, और खूब ओले गिरे थे। भागो भागो भागो। ये हिमाचल का मौसम, यहाँ रात में भी बारिश हो रही है, मतलब गर्मी में भी यहाँ लगा ही नहीं रहा है कि गर्मी, बारिश के साथ ही साथ तो ओले गिर रहे हैं, इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं कि बहुत ही तेज़ है। देखिए कैसे हवा में एकदम, ये देखिए ओले गिर रहे हैं।